आता हूँ, जो कि जो एक प्ले स्टोर पे ऐप है ड्यूओलिंगो, इस ऐप का नाम है ड्यूओलिंगो। इस ऐप में आप इंग्लिश को छोड़ के भी 40 देशों की अलग अलग भाषा आप सीख सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी मैंने वीडियो अपलोड किया, वीडियो तो जल्दी अपलोड हो गया, पर आज पता नहीं बैटरी इतनी जल्दी उतर गई। तो अभी फ़ोन चार्जर पे लगा था, वैसे कम थी बैटरी। तो अभी फिलहाल सूर्योदय हो रहा है उस तरफ, तो और है तो अभी मैं टोनी के साथ बैठा हूँ। तो अभी फिलहाल वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा, क्योंकि अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। और आज मेरे वीडियो अपलोड करते ही यूट्यूब पर वो पूरा एक फार्म आया, पूरा भरना था, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें थी बताने को। क्योंकि थैंक यू सो मच, मुझे भी थोड़ा बहुत अभी नॉलेज पड़ा, क्योंकि मेरे को पहले इतना पता नहीं था कि इतना कुछ होता है यूट्यूब पे। क्योंकि अभी मैं पूरा फार्म देखा तो मुझे पता पड़ा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं वीडियो किया, अभी मैं फ़ोन चार्जिंग में लगाता हूँ और नीचे जाता हूँ। आज तो नल भी आ रहा है, तो इसीलिए फ़ोन एक बार फुल चार्ज हो जाएगा, उसके बाद वीडियो बनाऊँगा। तो गाइस, अभी फिलहाल सूरज काफ़ी ऊपर चला गया है, तो अभी मैं तो पूरा रेडी हो चुका हूँ पानी भरने के लिए, जो कि यहाँ पर बर्तन लगा दिए हैं। अभी फिलहाल हमारे टंकी में जा रहा है, जो कि कल मैं वहाँ ऊपर चढ़ के बताया था, जो कि कल पता नहीं क्या हुआ, पूरी टंकी ऑटोमेटिक खाली हो गई। अच्छा, तो इसीलिए आज पूरी भरनी है, आज पूरी भरा जाएगी टंकी। तो अभी फिलहाल वहाँ नीचे पेपर पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं पानी भरता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो गाइस, अभी दोपहर की बजी है 9, समझ रहे हो, दोपहर की नहीं, ये तो सुबह की है, सुबह के 9 बजे है। तो फिलहाल आज हम ऊपर रोटी नहीं बना रहे, आज बना रहे नीचे वाले चूल्हे पे, जो कि दादी का है, पर आज ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए आज नीचे, क्योंकि आज लेट हो गए। तो फिलहाल पानी आ चुका है, तो पानी भरा चुका है, तो फिलहाल मोटर को बंद कर दी है, तो अभी खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस, अभी मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा था गेमिंग की, तो मुझे सूझा कि यार, मैंने पहले भी आपको बोला था कि मैं गेमिंग चैनल खोलूंगा, पर अभी तक नहीं खोल पाया हूँ, हिम्मत कैसे हो, जो कि आगे भी मैं देखता हूँ, क्योंकि BSTC का पूरा हो जाए, तो पूरी परीक्षा, सभी परीक्षा हो जाए उसके बाद खोलूंगा, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता अभी। तो गाइस, अभी फिलहाल मैं तो आया हूँ छाए में, तो अभी फिलहाल 2 गोबर के प्याले भर दिए हैं, क्योंकि एक पापा लाएंगे और एक मैं लाऊंगा, तो अभी चलते हैं खेत में डालने के लिए। तो गाइस, अब फिलहाल घर पे आ चुका हूँ, और काफ़ी गर्मी भी काफ़ी तेज है, तो आज अभी जहाँ अभी फटाफट मैं नहा लेता हूँ, क्योंकि आज हमें जाना है एक प्रोग्राम में, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो चलते सीधे प्रोग्राम। तो गाइस, अभी घड़ी 11 बज रही है, तो अभी फिलहाल मैं तो जस्ट नहा के आया हूँ, क्योंकि अभी जाना है मैं प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है, इतना ही है, तो वहाँ पर भी प्रोग्राम है, खाना खाने जाना सिर्फ। तो अभी पापा और मैं, हम दोनों जाएंगे, तो अभी चलते हैं। तो फिलहाल ये देखो भाई, लगभग 2-3 घंटे हो गए, फ़ोन छोड़ ही नहीं रही, मैं हर बार कह रहा हूँ फ़ोन छोड़ दे, पर बिल्कुल नहीं छोड़ रही फ़ोन। तो अभी फिलहाल ये रहा तेल, और कंघी किधर को ना, ये नीचे रख रखी। तो गाइस, अब फिलहाल तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि ये पिंक वाला शर्ट और ब्लैक पैंट लगी है। तो अभी घड़ी बज रही, देखो 11 बज चुकी है घड़ी। अभी पूनम सिर्फ अकेले घर पे है, मैं और पापा जा रहे हैं, बाइक की चाबी ले लिए। तो गाइस, आज तो यार बोल ही नहीं सक रहा हूँ भाई, वहाँ पर खाना कैसे खाऊंगा, एकदम छाला हो रहा है जोरदार। क्या बात है सर, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, तो दुखने लगा आप जोरदार। तो गाइस, अब प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो चलते हैं घर पे। तो गाइस, अब फिलहाल प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो अभी हम आ चुके हैं घर पे, पापा तो गए ऊपर, तो मैं भी चलता हूँ ऊपर। भाई पूरा थक गया भाई, पर खाना बहुत खतरनाक, एकदम मस्त होना था खाना, बाटी का दाल खाएगा नाश्ता घर पे। तो
गाइस अभी मिला शाम की 5:30 बजी है। तो मेरा हाथ का दूसरा आवाज खत्म है। तो गाइस आज मौसम पूरा बारिश का हो रहा है, जो कि देखो पूरे बादल ही बादल, आज तो फुल बादल है चारों तरफ, इस तरफ बिल्कुल नहीं है, सब उत्तर दिशा की ओर से, मतलब बारिश होने की पूरी संभावना है वो ना। तो गाइस अभी फिलहाल शाम की 6 बजने को है, तो मैं बाहर बैठा हूँ। अभी फिलहाल पूनम तो यहाँ पर रोटी बना रही, जो कि अभी पूनम का नाटक आने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी रोटी बना रही है। तो गाइस आज सभी के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, वैसे मेरे को भी बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश, सिर्फ हिंदी में बात करता हूँ, और जिसको भी इंग्लिश बोलना सीखना है तो उनके लिए बेस्ट कोर्स बताता हूँ, जो कि मैं आज से मैंने भी शुरू किया है, इसका एक ऐप का नाम है। अब मैं फिलहाल अंदर आ चुका हूँ, तो मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ, जो एक प्ले स्टोर पे ऐप है ड्यूओलिंगो, इस ऐप का नाम है ड्यूओलिंगो। इस ऐप में आप इंग्लिश को छोड़ के भी 40 देशों की अलग अलग भाषा आप सीख सकते हैं, कोई सी भी भाषा हो आप सीख सकते हैं, डायरेक्ट हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू फ्रांसी ऐसे। इसलिए मैं आज से मैंने हिंदी टू इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दिया है, जो कि ड्यूओलिंगो ऐप है, जो कि बेस्ट ऐप है इंग्लिश सीखने के लिए, जो कि मैं और पूना हम दोनों यूज करते हैं। पूना तो अपने थोड़ी बहुत इंग्लिश और थोड़ी बहुत कोरियन भाषा सीखती है अभी तो। हाँ कोरियन से क्या करेगी, ये कोरियन सीखती है, मैं कोरियन में जाऊंगी। तो गाइस आज तो पूनम का आखिरी बार नाटक है, जिससे कि आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये नाटक कोरियन वाला ही नाटक है, क्योंकि पूनम रोजाना देखती है। तो गाइस अभी फिलहाल घड़ी 6 बजी और हमारा शाम का नादर जाने का प्रोग्राम बन सकता है, तो देखते हैं नादर जाते हैं या नहीं, तो शाम को पता चलेगा। तो गाइस अभी शाम की 7 बजे और मैं बाहर आ चुका हूँ। आज तो पूरा बारिश का मौसम हो रहा है, इसलिए ठंडा, आज आवाज बिल्कुल नहीं चल रही, क्योंकि बताता हूँ बिल्कुल ही आज तो सुनसान है, बस सिर्फ बादल ही बादल है। तो इस तरफ हो रहा है सूर्यास्त, जो कि दिखाई दे रहा भाई, आज तो काफी मस्त दिखाई दे रहा है सूर्यास्त। देखो भाई सूर्यास्त तो होने वाला है, तो आज मैं नानवत जाने की प्लानिंग थी, पर देखते जा पाते हैं नहीं, अभी एक बादल वो दिखाता हूँ, ये वाला भाई एकदम गजब बादल। तो गाइस अब फिलहाल मैं आया हूँ खेत में, क्योंकि दिखाई दे रहा चारों तरफ एकदम मस्त सुहाना मौसम हो रहा है, क्योंकि भाई इस तरफ देखो आज तो फुल बादल है भाई, वो इस तरफ काले काले भाई, और चंदा हवा में भी जल्दी निकल चुके हैं। तो अभी फिलहाल मम्मी थे खेत में, तो अभी थोड़ा बहुत काम करना है यहाँ पर, तो काम करते हैं फिर घर पर वापस चलते हैं। तो गाइस अब फिलहाल जल्दी से फोन चार्जिंग लगा देता हूँ, क्योंकि आज बारिश आएगी तो लाइट जाएगी, लाइट हमारे एक बार जाती है तो लगभग एक दिन तो पूरा लग जाता है ठीक होने में, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए फ़ोन पूरी बैटरी चार्ज रखूँगा, इसलिए वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। तो गाइस अब फिलहाल अंदर हो चुके हैं और अभी हम बाहर आ चुके हैं, तो अभी फिलहाल आज मम्मी का व्रत है, तो इसलिए ये क्या है कांगनी, तो मम्मी आज कांगनी तैयार कर रही है, जो कि आज बड़ी गहरा से, जो कि सुबह से व्रत रहती है, जो कि शाम तक और शाम को भी खाना नहीं खाना और कल सुबह खाना खाना, मतलब 24 घंटे पूरा व्रत रहना ही है, तो इतना बड़ा व्रत है, जो कि 11 के दिन ही होता है, जो कि वो व्रत मम्मी भी रही है पर हमको तो पता ही नहीं, पता है पता। तो रहती तुम भी तो गई जब फिलहाल आज तो नाथद्वारा जाने की थी पर नहीं जा पाया, तो कोई बात नहीं कल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर तो बिस्तर लगा दिया है, पापा पूनम मम्मी अभी तो अंदर मूवी देख रहे हैं, फिल्म हमारी उनकी फेवरेट तो मूवी देख रहे हैं, मैं फिलहाल बाहर यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। तो गाइस अब फिलहाल वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आई होप गाइस आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।